इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने शिवनगर में दिन दहाड़े हुई चोरी का महज 24 घंटे में खुलासा कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 130 ग्राम सोना, 400 ग्राम चांदी सहित नकदी बरामद कर जांच शुरू कर दी है। वहीं फरियादी पक्ष ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई करने पर आभार जताते हुए थाना प्रभारी सहित पुलिस जवानों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर सड़क पर उतरी पुलिस न सिर्फ अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने में जुटी है बल्कि बदमाशों को गिरफ्तार कर उन्हें जिले की सलाखों में पहुंचाने में जुटी है। इसी कड़ी में बाणगंगा पुलिस ने सांवेर रोड स्थित शिवनगर चोरी का महज 24 घंटे में न सिर्फ खुलासा किया बल्कि चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाशों ने फरियादी दिनेश माठोलिया के घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण सहित करीब 7 लाख रुपये का माल लेकर फरार हो गए। बदमाशों की करतूत वहाँ लगे CCTV में कैद हुई थी जिसके चलते पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस कार्यप्रणाली से खुश फरियादी परिवार ने पुलिस थाने पहुंचकर थाना प्रभारी सहित पुलिस जवानों का आभार जताते हुए उन्हें सम्मानित किया। देखिए 27 तारीख को शिव मठोलिया जी हैं, उनके यहाँ से उनकी धर्मपत्नी खड़ी है, यहाँ पर सिस्टर सॉरी उनकी बहन खड़ी है, तो इनके यहाँ चोरी हुई थी, दिन में चोरी हुई थी, उसमें लगभग इनका 10-12 लाख रुपये का माल चोरी गया था और इनने जितनी एक रकम की सूची बना के दी थी कि हमारी ये रकम गई है। तो तत्काल वहाँ सर जहाँ चोरी हुई थी उसके आसपास कैमरे की फुटेज देखे तो एक सिंगल फुटेज हमको मिला था वहाँ पे। उस फुटेज में 3-4 लड़के धुंधले से दिख रहे थे। हमारे दो आरक्षक हैं भरत और नागेंद्र, उन्होंने उस फुटेज को डेवलप किया, दोनों आरक्षकों ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने फुटेज डेवलप किए और उन चारों लड़कों को पकड़ने में सफलता हासिल की। सब इंस्पेक्टर डाबी ने उनसे बहुत अच्छा इंट्रोगेशन किया और इनका बहन जी का पूरा सोना जितना जेवर गए थे उतने पूरे ओरिजिनल जेवर और 25,000 रुपये नकद अभी मिले हैं और लगभग उनकी चोरी का पूरा माल बरामद हो गया। कुछ रुपए अभी हमको ऐसा लग रहा है कि और उनके पास में मिलेंगे तो उनके में दो लोगों का हम रिमांड भी ले रहे हैं। सर ऐसा बताया जा रहा है कि 35 सालों के जो जमा पूंजी थी वो पूरी चुरा ले गए थे, परिवार काफ़ी दुखी था। अब इनका तो पूरा सोना था, लगभग 130-140 ग्राम सोना था, पूरे जेवर मिल गए हैं, एक एक कुछ बरामद हुए। फिर इनने बताया कि अभी तो दो चैन और हैं और सोने के कंगन भी हैं। फिर पूछताछ की तो फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद फिर ऐसे करके पूरा माल इनका लगभग बरामद हो गया है। अब ये हम लोग देख रहे हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है और उनका अभी रिमांड भी ले रहे हैं, पुलिस रिमांड भी लेंगे। लगातार हमारी जो पार्टियाँ रहती हैं पुलिस की, वो पहले 4 पार्टियों में करती थी, अब रात में 7 पार्टियाँ रहती हैं। पहले एक अधिकारी गश्त में रहता था, अब 3 अधिकारी गश्त में रहते हैं, 3 अधिकारी और एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के अलावा लगभग हमारे 16 आरक्षक रात में गश्त में रहते हैं। तो ऐसे करीब 25-26 लोग हम रात में गश्त में रखते हैं। हमारे पास में 4 4-व्हीलर हैं, चारों 4-व्हीलर गश्त में रहती हैं, 7 मोटरसाइकिलें रहती हैं, पूरे क्षेत्र को बांट के उसमें गश्त करवाते हैं, कोशिश करते हैं कि चोरियाँ ना हो। यदि होती हैं तो काफ़ी कुछ चोरियाँ पिछले 2-3 महीने में पकड़ाई हैं, कुछ उद्योगों की चोरियाँ भी पकड़ाई हैं, काफ़ी 10-12 चोरियाँ अभी पिछले 2-2.5 महीनों में हमने पकड़ने में सफलता हासिल की। 4 घंटे में पूरी चोरी, TI साहब ने पूरे जिनके सिपाही जो भी थे उन्होंने हमारे 4 घंटे में पूरा सामान, टोटल सामान एक एक करके सब 4 घंटे में पूरा सामान हमारे हाथ में, मतलब दिया तो नहीं है पर आ जाएगा, टोटल सामान ढूंढ लिया उन्होंने और पूरी कोशिश करी है हमने 4 घंटे में, मतलब जो भी इनसे बना उन्होंने पूरा पूरी कोशिश करके पूरा सामान हमारा लौटाया। अच्छे से आज क्या करा आपने यहाँ पर आकर? आज आके हमने TI साहब का स्वागत करा कि उनका धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी पूरी इतनी मतलब 35 साल की जो भी 40 साल की जो भी हमारी जो भी रकम वगैरह थी सब सामान उन्होंने हमारे 4 घंटे में लाकर हमें मतलब दे दिया है। नहीं करती है ना, माहौल मिला ना कि हमारा हर मतलब हर एक काम पे जो बोला गया जो रकम नहीं है वो नहीं है। TI साहब ने हर मतलब जहाँ गए वहाँ से पकड़ के लेके आए, चोर के 4 घंटे जो से पूछताछ करी सब रिमांड पर लेके उनको पूरा सामान हमारा मतलब पूरा गया। हाँ हम पूरा संतुष्ट है क्योंकि उन्होंने पूरा हमारा सामान जो जो था सब सामान दिया। अभी पैसे नहीं आए, वो पैसे भी थे वो भी सब आ जाएंगे पर हम सोच रहे हैं सारा काम मतलब उन्होंने TI साहब ने पूरा करा हमारा। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करने में जुट गई है जिससे चोरी की अन्य घटनाओं के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।